हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। तो कैसे हैं आप लोग? शुरुआत करें, चलो। सैटरडे को बना रहे हैं, दिन रहेगा सैटरडे। ऑफकोर्स समर जो वीक रहने वाला है वो रहने वाला है फ्रॉम 9th October टिल 13th October। इस वीक के एनालिसिस के बारे में जानकारी, सबसे पहले फ्राइडे को क्या हुआ, किस तरीके से मार्केट ने काम किया वो देख लेते हैं। लेवल्स आपको दिए थे और ये लेवल्स को कैसे ड्रॉ करना है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके अपने ट्रेडिंग विद तरुण के यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी बता रखा है। डेली बेसिस पे ये काम करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। आपको क्या करना है, ट्रेडिंग विद तरुण के चैनल पर आ जाओ, यहाँ पर जाओ चैनल के अंदर और वीडियोज़ में आ जाना, ठीक है। कुछ नहीं करना, सर्च का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर टाइप करना है रेंज, रेंज रोवर नहीं खाली रेंज, हाउ टू कैलकुलेट इंडेक्स वीकली रेंज यूजिंग इंडिया विक्स, ठीक है। कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, ये डेली बेसिस पर कैसे आप ये लेवल, जादुई लेवल, पिन पॉइंट लेवल बना सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। वीडियो को प्यार देना, वीकेंड का टाइम है, आराम से सीखना, बिकॉज सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं, आगे बढ़ना है तो सीखना जरूरी है, ठीक है। मार्केट ने बहुत अच्छा काम किया, साथ के साथ जो थर्सडे को काम नहीं किए थे हमारे ज्ञान पाजी के जो लेवल थे, टाइमिंग थी, वो भी अच्छे तरीके से काम कर गई। हमें दिन में दो बार अच्छा प्रॉफिट देखे गए, यहाँ पर भी इसने 80 से ज़्यादा पॉइंट दिया, यहाँ से भी 80 से ज़्यादा का पॉइंट दिया, बहुत अच्छे तरीके से जो लेवल्स इन्होंने काम किया। निफ्टी की बात करें, निफ्टी के लेवल्स ने भी ब्यूटीफुल तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम किया। तो ये लेवल आप खुद ड्रॉ कर सकते हो, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है, तो आपको समझ में आ जाएगी। भाई के नाम से वीडियो देख लेना जाकर, ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पर आ जाते हैं और वीकली एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि वीकली एनालिसिस में क्या बात हो रही है मार्केट में। यहाँ पर जो वीकली एनालिसिस के अंदर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी की जो कैंडल बनी है गाइस, इट इज़ अ सॉलिड हैमर कैंडल, दिस इज़ अ साइन ऑफ अ रिवर्सल। साथ के साथ मैं आपको एक नंबर दिया था, मैंने 1.5-2 हफ्ते पहले, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको नंबर दिया गया था 43,850 का एक पेंडिंग लेवल है। मार्केट इसको टच करनी चाहिए जब मार्केट यहाँ पर कहीं पर घूम रही थी। मार्केट नीचे आई है गाइस, 43,856 का लो मारा है। अब टारगेट आया नहीं आया मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, हाथी निकल जाती है उसकी पूंछ बच जाती है, तो पूरा टारगेट तो नहीं आया, ठीक है, लेकिन 19-20 चलता है तो क्या यह रिवर्सल देखना चाहेगा वो देखना पड़ेगा। लेकिन उस रिवर्सल के लिए मार्केट को इसका हाई हैमर कब काम करना शुरू करता है, जब कैंडल का हाई टूट जाता है। तो अगर आपको कोई भी क्लोजिंग, वीकली कैंडल की क्लोजिंग याद रखेगा, इस हैमर के ऊपर मिलती है तो मार्केट का ये एक हॉल्ट था और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जानी चाहिए। लेकिन अगर मार्केट इस कैंडल का लो तोड़ती है तो मार्केट में कुछ और चल रहा है। अब इसका हाई और इसका लो जो है वो क्या निकल के आ रहा है, इसका लो है वो है 43,854 कैंडल का लो, और इस कैंडल का जो हाई है वो है 44,586। सो एक तरीके से आप ये दो रेंज मान के चल सकते हैं कि मार्केट में वीकली रेंज अगर आने वाले वीक के अंदर, जो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाला वीक है, इसके अंदर मार्केट इसके ऊपर या इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो आपको एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। मतलब इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो ये मान के चलो 1,000 points and 1,000 points। इसका बेस क्या है मैं आपको होने के बाद बता दूंगा। ये मार्केट की क्लोजिंग अगर इसके ऊपर आती है तो 1,000 point मार्केट ऊपर की तरफ सरक सकती है, और इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो 1,000 point नीचे की तरफ सरक सकती है। बट ये वीक वॉलेटाइल और काफ़ी डिसाइडिव वीक रहने वाला है। निफ्टी की चर्चा करेंगे, निफ्टी की कैंडल देखेंगे तो गाइस वो उससे ज़्यादा भयंकर बुलिश बनी है। आप बोलोगे क्यों? पहला, ये एक डाउन ट्रेंड के बाद में एक हैमर बना है। सेकेंड, इसकी जो बॉटम वीक है वो बहुत शार्प और बहुत लंबी है, ठीक है। दिस इज मोर ऑफ मिक्सचर ऑफ ड्रैगन फ्लाई डॉजी प्लस हैमर, विच इज अगेन वेरी मच पावरफुल। तीसरी जो चीज़ आपको देखने वाली है, कैंडल का कलर भी ग्रीन है, तो इसके अंदर मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहा है, और साथ के साथ ये क्या बता रहा है कि अगर आपको कोई बाइंग की पोजिशन बनानी है तो निफ्टी के अंदर बनाना, क्योंकि निफ्टी इज मच स्ट्रॉन्गर, ठीक है। अगर आपको कोई सेल का सेटअप मिलता है तो आप कंसिडर कर सकते हो बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी को, लेकिन निफ्टी को शॉर्ट मारने के लिए थोड़ा सा रुक जाइएगा।
ये हमारे स्टॉक भी चीक चीक के बता रहे हैं यहाँ पर, ये देखो माइनस में, ये ग्रीन में, ये भी ये चीज़ बता रहे हैं, बट जो है वो है ठीक है। ये वीकली कैंडल का नज़ारा हो गया यहाँ से रिवर्स। इसके लिए भी इसका हाई और उसका लो बहुत मैटर करता है। तो ये इसका हाई क्या है, 19,685, और इस कैंडल का लो बहुत दूर है लेकिन क्या है, 19,335। तो रेंज क्या रहने वाली है मैंने आपको ऑलरेडी डिसाइडिव बता दिया है। इसको करते हैं डिलीट और आ जाते हैं डेली कैंडल के ऊपर। नाउ यहाँ पर गाइस सबसे पहले हम वीकली एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं, हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि हायर हाई और लोएस्ट लो गैनफा जी का रूल एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करें, ये आपकी फ्राइडे की कैंडल, थर्सडे की कैंडल, वेडनेसडे की कैंडल, ट्यूजडे की कैंडल, और ये मंडे की थी छुट्टी। तो क्योंकि मंडे की कैंडल की मंडे छुट्टी थी, इस वीक में नहीं होगा। लेकिन आप देखेंगे निफ्टी ने हाईएस्ट हाई भी मारा है और हाईएस्ट क्लोजिंग भी दी है, लेकिन मंडे के अंदर क्या है, छुट्टी थी, तो गैन का रोल इसके अंदर एक्टिवेटेड नहीं है। लेकिन आपको ऑलरेडी एग्जिस्ट निफ्टी देख के 100 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, वो होगा नहीं होगा वो बात की बात है, क्योंकि कई बार गैप डाउन दिखाता है गैप अप होता है। अब आप एग्जिस्ट निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी को देख के उतना कुछ बोल नहीं सकते हो, लेकिन जो तेजी आपको देखने को मिली वो मिली है बिकॉज ऑफ डाउ जोन्स, डाउ मामा, जिसने 400 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखाई है, क्योंकि बॉटम लेवल से एक सपोर्ट लेवल था हमारा, वहां से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आया। आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार देखिए यहाँ पर सपोर्ट लेवल से आया है ये, तो मार्क किया था, जोन्स, चलो डाउ जोन्स बाद में देख लेंगे, पहले बैंक निफ्टी को ही देख लेते हैं ठीक है। सो यहाँ पर वो रूल तो एक्टिवेट नहीं होगा, क्या बैंक निफ्टी के अंदर भी वो रूल एक्टिवेट नहीं होगा ठीक है, ऑफ कोर्स। बट मार्केट में यहाँ पर क्या देखने को मिला आपको गाइस, पिछले 3 दिनों से मार्केट ने क्या किया है, गैप अप, यहाँ पर क्लोजिंग, वहीं पे, यहाँ पर ओपनिंग, वहीं पे क्लोजिंग, गैप अप, जहाँ पर ओपनिंग, वहीं पे क्लोजिंग। तो क्या चल रहा है, ड्यूरिंग द डे आपको कोई ट्रेंड नहीं मिल रहा है, ड्यूरिंग द डे जो भी हो रहा है गैप अप और गैप डाउन में हो जाता है, मार्केट एक बार व्यू देती है वापस आके वहीं पे क्लोज जाती है जहां पर उसको ओपनिंग हुई थी। तो ऑप्शन बायर को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, लेकिन नेक्स्ट वीक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ठीक है, अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलने को सकता है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक बोलिंजर बैंड देखना पड़ेगा। ओके देखो तो ये हवा में ऊपर गया है, जैसे यहां से ऊपर गया था ना, लेकिन ये ऊपर से आया था, यहाँ पर मुझे लगता है कि पर नीचे आना चाहिए इसके हिसाब से, बोलेंगे बैंड के हिसाब से तो नीचे आना चाहिए। अच्छा निफ्टी ने सपोर्ट लिया, आइदर ऑफ द इंडेक्स शुड एंड मस्ट डू इट। निफ्टी ने नीचे की तरफ जो हैमर कैंडल बनाया था वहां से इसने तेजी करना शुरू किया है, तो ये तेजी मुझे मिड बैंड तक होती हुई दिखाई दे रही है कि मार्केट में मिड बैंड कहाँ आ रहा है, 19,786 बोली नंबर, 786, 19,786 के बाद अभी आ रहा है। और ये आपको पता है डायनामिक होता है, मार्केट हर दिन चेंज होती रहती है, तो उसके हिसाब से मिड बैंड का जो रेंज है, क्योंकि तो 20 EMA है मिड बैंड, बेसिकली 20 EMA है, तो ये भी चेंज होता रहेगा। और मार्केट में इस पर नजर बनाएगा, मुझे लगता है कि मोस्ट प्रॉब्ली 20 EMA को टच करने के लिए जा रहा है ठीक है। तो करेंगे बंद यहाँ पर, अगर मैं इंडिकेटर लगा के EMA लगाऊँ तो मुझे लगता है इसने 100 EMA से सपोर्ट भी लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 मिनट के चार्ट पे 20 EMA पे सपोर्ट लिया था। ओके 15 मिनट के ऊपर ये बुलिश हो रहे हैं, क्या बुलिश हो रहे हैं, अगर आप देखने की कोशिश करोगे सारी EMA एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर रही है। हमारे लिए जो मेन EMAs इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, 50 एंड 100। 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर अगर मंडे के दिन आपको ये क्रॉसओवर होता हुआ दिखाई देता है ना, दिस विल बी कॉल्ड एज गोल्डन क्रॉसओवर। जैसे ये यहाँ पर क्रॉसओवर होता है उसके बाद में एक अच्छा खासा लाल काफी दिनों तक दिखाई दिया, ये क्रॉसओवर होने के बाद बुलिश हो जाएगा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। सो डज दी बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर अगर ये क्रॉसओवर होता है, अभी तो मार्केट इसी प्राइस के बीच में फंसी हुई है, रोलर कोस्टर की स्ट्रेटजी का टारगेट दे रही है, लेकिन अगर ये क्रॉसओवर हो जाता है गोल्डन क्रॉसओवर, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें पैसे बन सकते हैं ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर नजर बना के रखना। अब यहाँ पर मैं इस EMA को हटा लूँ तो क्या कोई सेटअप दिखाई दे रहा है ठीक है, क्या आपको यहाँ पर कोई सेटअप दिखाई दे रहा है, बेसिकली 30 मिनट्स के ऊपर दिखेगा ठीक है। क्या है, यहाँ से अगर आप ये लाइन और इस लाइन को टच करते हैं देखो ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा, मार्केट ने ये कर्व बनाया फिर दोबारा से रिजेक्शन लिया, ये शर्मा जी का फेवरेट पैटर्न कप एंड हैंडल। अब काफी लोगों को ये हेड एंड शोल्डर भी लग रहा होगा, भाई ठीक है दोनों केसेस के अंदर ये बुलिश ही है,
मुझे हेड एंड शोल्डर नहीं लग रहा क्योंकि ये वाली विक उतनी ऊपर नहीं है। आई एम कंसिडरिंग दिस एज अ कप एंड हैंडल, लो मुझे लग रहा है ये कप एंड हैंडल ही है। आपको ये बाइंग के लिए जो लेवल बनते हैं वो क्या बनते हैं, ये वाला जो लेवल है ये बहुत क्रूशल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद 44,497, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ये मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर कहीं पर ओपन होने के बाद इसको तोड़ती है तो आपके लिए एक अच्छी बाय की अपॉर्चुनिटी बनेगी। यहाँ पर मैं अग्रेसिव बाय करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होती है इस लाइन के नीचे वापस कंसोलिडेशन करती है, मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा अनटिल एंड अनलेस मार्केट इसके ऊपर कैंडल क्लोज करके सस्टेन करने की कोशिश करे। और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा उस केस के अंदर, जो कैंडल इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी उसी के लो को मैं रखकर या उससे थोड़ा सा नीचे रखकर ट्रेल करने की कोशिश करूंगा और मैं बाय की पोजीशन बनाने की चेष्टा करने वाला हूं। इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, यहां से लगभग लगभग 100 का जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 45,094 का लेवल। आपको अगर याद हो हमारे पुराने लेवल्स के अंदर 45,095 का लेवल है जो एक मेजर रेजिस्टेंस का लेवल है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो है ये देखो, ये ना एक मेजर रेजिस्टेंस का ही लेवल है ये वाला, जो हमारे पुराने लेवल्स में काम, और काफी टाइम इसने रेजिस्टेंस भी दिया है कि मार्केट उसके आसपास का ही टारगेट बता रही है। लेकिन हाँ फिलहाल ये टारगेट आपके बन रहे हैं, तो बीच में एक आपका एक डिटोर क्या होगा, इसमें से डिटोर जो होगा जो आप एक पहला टारगेट मांग के चल सकते हो कपन हैंडल की दिशा में, वो टारगेट होगा 44,750 का और उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो 45,094 के आसपास। नाउ अगर हम प्लान बनाने की कोशिश करें, सो फार जो एचजीएस निफ्टी दिखा रही है, अगर आप एचजीएस निफ्टी को ओपन करके देखोगे तो 101 पॉइंट, मतलब बैंक निफ्टी कम से कम 200 पॉइंट ऊपर खुलनी चाहिए। तो यहाँ से अगर मार्केट जहाँ क्लोजिंग हुई है और 200 पॉइंट के आसपास हम देखें तो मार्केट आपको लगभग लगभग देखो कहाँ ओपन होती हुई दिखाई दे रही है, मार्केट या तो इसके नीचे ओपन होगी या इस लाइन के ऊपर ओपन होगी, ठीक है, यहाँ पर एक गैप छोड़ के जाएगी। ठीक है, अगर मार्केट को दोबारा से नीचे आना है तो ये रनवे गैप देके जाएगी। दोबारा से नीचे आना है मतलब मार्केट के नीचे के लेवल अभी खत्म नहीं हुए हैं क्योंकि ये गैप दोबारा से छोड़ के गई है, तो ये भी रनवे गैप बनाने के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल है एटलीस्ट उसका इंतजार जरूर करना, और अगर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का हाई टूट जाता है तो उसके ऊपर आप ऊपर के टारगेट्स के लिए आराम से बैठ सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स के ही कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पे खुलती है नीचे की तरफ आती है, यहाँ पर सपोर्ट लेती है इसी पर्टिकुलर लाइन पर, सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करती है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, पहला टारगेट दूसरा टारगेट। मार्केट अगर गैप अप खुलती है, मतलब यहाँ पर एक कैंडल खुली, वो पहली कैंडल ग्रीन बनाती है और इसको क्रॉस करने की जाने की कोशिश करती है, यहाँ पर मैं अग्रेसिव नहीं होऊंगा लेकिन एक चिंदी सा छोटा सा पोजिशन बनाऊंगा, मेन पोजिशन बनेगा जब 44,756 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है। यहाँ पर कोई कैंडल क्लोज करे तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में बैठ सकते हो, ऊपर की तरफ एंजॉय कर सकते हो 750 से 4594। ये छोटा मोटा लेवल नहीं है गाइस, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये बड़ा, मैं क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ इसलिए ये एनालिसिस आपको इस तरीके से नजर आ रहा है। आई होप इट मेक सेंस और आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। ठीक है, तो ये सेटअप बन रहा है आपका बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर अगर मैं वो सिमिलर पैटर्न देखने की कोशिश करूँ तो वो सिमिलर पैटर्न यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पर वो प्रेसेंटली नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पर एक डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। अब बोलेंगे सर ये क्या होता है डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग क्या होता है, और इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। बना देता हूँ पहले, उसके बाद में आपको दिखा भी दूंगा। तो दिखा देता हूँ ये होता क्या है। डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग, डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग एक चार्ट पैटर्न है गाइस जो बेसिकली आगे से तो छोटा होता है लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है बड़ा होता चला जाता है। तो अगर मैं इसको गूगल करूँ यहाँ पर, और ये देखो डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग इमेजेस देखने की कोशिश करते हैं, ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर छोटा होता है लेकिन आगे जाते हैं बड़ा होता है। और ये डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग जो है मेजरली आपका बुलिश निकलता है अगर ये डाइवर्जन के साथ में आ जाए तो। यहाँ पर डाइवर्जन उतने खास नहीं है लेकिन है, बुलिश डाइवर्जेंस हैं आपके।
और अगर ये मार्केट तोड़ती है तो उसका टारगेट क्या निकल के आता है, जो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फर्स्ट ये साइज है ना, ये आपका टारगेट आता है। ज़्यादा बड़ा टारगेट होता नहीं है इसका, लेकिन अगर मैं इसका टारगेट निकालने की कोशिश करूँ तो यहाँ से ट्रेंड लाइन खास बड़ा टारगेट नहीं आएगा, ये इसके हाई तक का, हाई तक मांग के चल सकते हो कि आराम से आ सकता है सिंपल, ये वाले हाई तक 19,950 19,850, तो यहाँ तक के टारगेट आप देख आपको देखने को मिल सकते हैं इसी के लो का स्टॉप लॉस लगा के। निफ्टी डेफिनेटली बुलिश है। इसके अलावा और कोई पैटर्न मुझे यहाँ पर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है निफ्टी के अंदर, और काफ़ी लोगों को जो हेड एंड शोल्डर दिख रहा है वो जब टूटेगा तो देखेंगे, ठीक है, ये लाइन जब तोड़ेगा तो देखेंगे। फिलहाल तो मुझे लगता नहीं कि ये लाइन टूट रही है, जब ये लाइन टूटेगी तो देख लेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर भी सिमिलर कहानी है, काफ़ी लोगों को ये पैटर्न, और मुझे तो एक्चुअल में हेड एंड शोल्डर ही लग रहा था, लग रहा है इनफैक्ट, हाथी की क्या बात है, तो भी हम उसी उसी एरिया में देख लेते हैं, ठीक है, ये एरिया। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये वाला शोल्डर बना दिया इसने, इसने पूरा हेड बनाया, एक जंप मार रहा है दोबारा से एक बार शोल्डर बनाने के लिए, और ये जब वापस नीचे आएगा, चाहे यहाँ से आए, यहाँ से आए, जहाँ से भी नीचे आएगा, ये अपने गैप गैप्स को फिल करेगा, ठीक है। तो वो सिनेरियो है, इन शॉर्ट ना बुलिश ना बैरिश, मार्केट जिस तरीके का ट्रेंड दिखाए इंट्राडे के अंदर सेटअप बनाए उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। सारे सेटअप अपने काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे और पैसे बन रहे हैं, ठीक है। चलो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको लेवल्स बना के दे देता हूँ जो आप मंडे के दिन यूज़ कर सकते हो और पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो लेवल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी बने आ गए हैं गाइस कि आपकी न्यूट्रल लाइव लाइन आने वाली है। मैंने सेम प्रोसेस यूज़ किया है जो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था, इस वीडियो को देख के आप देख सकते हो लेवल्स किस तरह से बने। 19,645 के ऊपर क्लोजिंग पर 19,700 आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल आएगा रिवर्सल का, 19,753 और इसके ऊपर 19,800, दो लेवल्स एक्स्ट्रा दिए मैंने, बट रेंज मैं आपको दे देता हूँ। इसके ऊपर जाते हुए देखने के 19,592, इसके नीचे 19,554, ये लेवल्स आपके रहने वाले हैं जो अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग तरंग के अंदर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो। इस तरह के सारे लेवल न्यूट्रल लाइन रहने वाली है। अगर मार्केट ये 44,474,500 के लेवल को तोड़ती है तो 44,597,100 पॉइंट्स की रैली देखने को मिलेगी, स्पेशली अबव 600। जैसे ही मार्केट निकलती है 600 से 700 की जो दूरी है वो काफ़ी तेजी से आपको देखने को मिलेगी। मार्केट मेरे ख्याल से एक सिंगल कैंडल में 15 मिनट की ये कवर करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर मार्केट 44,233 के नीचे निकलती है तो वहाँ से भी आपको एक तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि गैप है नीचे की तरफ 44,410 और 44,010 के नीचे फास्ट मोमेंटम है, इसके नीचे फास्ट मोमेंटम है, ये वाला पूरा का पूरा गैप बड़ी तेजी से भरा जाएगा, ठीक है। तो ये सब लेवल रहने वाले हैं, ये अपने चैनल बेसिकली ट्रेडिंग विद तरुण टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हो। Playing from desktop tab. चलो अब मैं कमेंट चेक कर लेता हूँ जो आप यू वीडियो के कमेंट सेक्शन में स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन देखते हैं, कौन से स्टॉक्स के बारे में किसने क्या पूछा। टेक्निकल मास्टर ने हार्ड ड्रॉप किया है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये नहीं लाइव था, हाँ जाएगा थर्सडे, ओके सो आई हाँ फ्राइडे का मैंने वीडियो नहीं बनाया था पर है जिसने पूछा। कैन वी कॉल टुडेज कैंडल एज आइसोलेटेड कैंडल सर, लेते हैं यार नहीं नहीं ये आइसोलेटेड नहीं है, साथ में ही है, ये लेवल बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं। ये देखो मेरे फिबोनाची के ना पुराने लेवल्स हैं, ठीक है, पुराने से मतलब ये नहीं कि हिस्ट्री में 1400 साल पहले लोग बनाए थे, फिबोनाची के लेवल है और इसको मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, और मार्केट ना इन लेवल को ज़बरदस्त सपोर्ट करती है, ज़बरदस्त अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये भी आप टेलीग्राम में आपके साथ में शेयर किया था, देखो सपोर्ट इस तरीके से सपोर्ट पिन पॉइंट सपोर्ट, और चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट ले लो और मार्केट इसके ऊपर निकलती है ना स्क्रीन शॉट ले लेना। यहाँ पर काफ़ी लोग बोले सर अपने मार्केट बनने के बाद में बनाते हो लेवल और बोलते हो कि पिन पॉइंट है, भाई ये अभी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जब मार्केट यहाँ पे टकरे मार के नीचे गिरेगी ना अपने आप देख लेना और समझ लेना कि मार्केट किस तरीके के लेवल से,
है, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके की लेवल है। दो स्टॉक्स के बारे में पूछा, एच डी एफ सी बैंक देख लेते हैं, टाटा मोटर्स ने पूछा। एच डी एफ सी लेवल का देखो, यहाँ पर इसका एक लेवल मैंने मार्क किया है, यहीं से इसने बाउंस मार लिया है, तो रिलेट करते हैं, तो याद भी नहीं है वो किस तरीके के लेवल, तो कुछ नहीं देखो। एक मिनट थोड़ा मंथली में देख लेते हैं। ओके, तो अगर आप वाओ गाइस, बहुत बढ़िया, मार्केट ने एक बुल रैली दी, मार्केट पिछले एक दो तीन महीने से गिर रहा था, इस महीने संभलने लगा। क्यों संभलने लगा है, ऐसा क्या हो गया इस लेवल पे, इसको जानने के लिए क्या करेंगे, फिबोनाची की ये बेस, ये बेस से लेकर हाई तक लगाया और देखो 50% पे सपोर्ट ले रहा है, तो मंथली क्लोजिंग अगर 1575 के ऊपर आती है, 1575, देन यू आर गोइंग टू सी एचडीएफसी ऑन 1700 लेवल फॉर श्योर। 1570 के ऊपर कहते स्विंग ट्रेड बनेगी, एक मंथली क्लोजिंग आ जाए तो ये तो इसका इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, इसको डिलीट करूँ, बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट लिया होगा, पता है तो लेवल बना दिया, वरना मैं आराम से देखता था उसको। बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट लिया है, बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट लिया है, इसमें आपको दिखाऊं, ये देखो ये वाले लेवल पे देखोगे ना, 5 मिनट के लेवल के ऊपर, यहाँ लो से हाई अगर बनाओगे, ये गोल्डन पॉकेट से इसने बाउंस मारा है, यहाँ तक जाना तो बनता ही था इसका। ठीक है, वीकली में देख लें एक बार, वीकली के ऊपर कोई पैटर्न नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट बेरिश पैटर्न ही दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, तो जिसका ब्रेकडाउन हुआ है ये जिसका ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अभी मैं डाइवर्जन चेक करूँगा, अगर हुए तो भाई डाइवर्जन, ये है असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल, और मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देखे, रिटेस्ट करके दोबारा नीचे जाने की कोशिश की, तो एक्चुअल में दिस इज बेरिश, जो टारगेट निकल के आता है, मदर ट्रेंड बता रहा हूँ, एच डी एफ सी बैंक का मदर ट्रेंड बेरिश है, 1200 तक के लेवल है नीचे के, 1200 तक के लेवल है, आप 1200 भी नहीं लेते तो एटलीस्ट ये वाला जो जोन है ना, जहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया था, तो 1278 का जो लेवल है, मार्केट यहाँ तक गिरनी चाहिए इसके हिसाब से, ये लेवल अगर सच्चा है तो डेफिनेटली सब कुछ ऐसा ही है। अगर आप ट्रेड में नहीं बैठे हो और मार्केट ग्रीन कैंडल बना रही है, मेरा मानना रहेगा आप ये वाले लेवल के नीचे, मतलब आज जो कैंडल बनी है इसके नीचे, लास्ट वीक की जो कैंडल बनी है उसके नीचे ही बैठ सकते हो, जो भी कैंडल इसका ब्रेकडाउन देगी उसके हाई का स्टॉप लॉस मार के सेल साइड पे, तो यहाँ पर सेल साइड की ट्रेड रेकमेंड करूंगा मैं एचडीएफसी बैंक में। 1487 के नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है उसी के हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप बैठ सकते हो 1280 के लेवल के लिए, क्योंकि ये लेवल एक ब्रेकडाउन लेवल है। अब मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर यहाँ पर कंसोलिडेशन करके निकल जाता है तो निकल जाता, हमारा लॉस है ही नहीं, बैठे ही नहीं आप, यहाँ पर ये कोई पैटर्न बनाता है या कुछ करता है वो बात की बात है। अभी फिलहाल के लेवल देखोगे तो दिस इज बेरिश ऑन वीकली टाइम पे, मंथली का भी बताया मैंने, वीकली का भी बता दिया। अब बोलोगे सर डेली में क्या है या शॉर्ट टर्म में क्या है, वो भी देख लेते हैं, इसका कोई लेवल नहीं है शॉर्ट टर्म में, अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखूं कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं, अगर डेड कैंड बाउंस मिल जाए तो मिल जाए, वरना एचडीएफसी बैंक मेरे लिए बेरिश है इस हिसाब से। ठीक है, दूसरा बोला आपने टाटा मोटर्स, देखो टाटा मोटर्स का तो ऑलरेडी हिसाब हो रखा है, इसको तो मैंने कैश में दिया हुआ ना, इसको मैंने क्या दिया है कैश में, देखो ये एचडीएफसी बैंक ये ना मंथली टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम जो मैक्सिमम हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है, ठीक है, और इसके जो दोनों शोल्डर है उनमें डब्ल्यू पैटर्न है, इसको बोलते हैं शक्तिमान पैटर्न, क्योंकि ये बेसिकली डबल कंफर्मेशन के साथ मेरा यहां पर भी ये डब्ल्यू पैटर्न क्या है पावर, ये क्या है पावर, तो ये जो पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है ना ये पावर के साथ में हुआ है, तो मैंने ये भी शायद बोला था कि भाई हो सकता है कि रिटेस्ट करना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद में ऊपर जाना चाहिए, और रिटेस्ट किया क्या इसने, तो रिटेस्ट नहीं किया, तो रिटेस्ट नहीं किया इसने,
तो रिटेस्ट करना चाहिए था, टारगेट इसके 869 के आसपास ही है, ठीक है। और यहाँ पर ही कंसोलिडेशन देखो तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है। तो मैं इसको डिलीट कर दूँ, ये मैंने छोटे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर वो कर रखा है एनालिसिस, इसके टारगेट ऊपर भी है। अब यहाँ पर ना ये ना देखो दो तरीके, ये क्या बन रहा है, देखो ये एक ऐसा सा पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये वापस आया यहाँ तक तो बहुत अच्छा है भाई, अपॉर्चुनिटी मत छोड़ना। टाटा मोटर्स इज अ बिग टाइम बाय ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल, मतलब 500 to 550 टाटा मोटर्स अगर मिलता है तो ये कैश बाय है इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर द टारगेट ऑफ 850, 850 की तरफ जाना चाहिए इसको, अच्छे खासे रिटर्न मिल जाएंगे आपको, ठीक है। पहली बात तो कही, दूसरी बात क्या है, इसका जो हाई है ये वाला, ये विक का हाई, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है, अगर ये लेवल के ऊपर सीधा निकल जाता है तो ये फ्लैग का ब्रेकआउट है। इन दैट पर्टिकुलर केस फॉरगेट अबाउट रीटेस्टिंग, बिकॉज 80% ऑफ द टाइम होता है कि ये रीटेस्ट करे, और यहाँ से अगर ये निकल जाता है तो ये फ्लैग का टारगेट यही आता है, पहला टारगेट फ्लैग का टारगेट क्या आता है 750 के आसपास का, तो ये नहीं रुकने वाला। फिर अगर ये 670 तोड़ के निकलता है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर तो ये डेफिनेटली बुलिश है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे मेरे लिए ये स्टॉक बुलिश है, लेकिन दो लेवल दे देता हूँ जो इसको सेल साइड पे भी प्ले करना चाहते हैं। ये एम का पैटर्न है, 592 के नीचे अगर ये निकलता है तो ये रीटेस्ट करने आ रहा है इस वाले लेवल को, 550 के आसपास तक के टारगेट आप आराम से लेके चल सकते हो। ये जोन में कुछ नहीं करना है, 668 के ऊपर बाय करना है, 589 के नीचे सेल करना है ऑन स्विंग ट्रेड बेसिस, कैश की बात कर रहा हूँ मैं। सेल कैसे करोगे, फ्यूचर सेल कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन के ट्रेड में मत घुसना। हाँ, 680 के ऊपर निकलता है ना तो ऑप्शन की ट्रेड भी बनती है इसके अंदर, क्योंकि बड़ी स्पीड से निकलेगा, क्योंकि फ्लैग का ब्रेकआउट है ना तो ऑप्शन की भी ट्रेड बनेगी, तो आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। आपके साथ में कई काफ़ी सारे लोगों को दो न्यूज़ के बारे में जानना था, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। तो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो भाई अनचेंज, और मार्केट ने कोई रिएक्शन दिया नहीं है तो हमें भी रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, पैलेस्तीन हमस एंड इसराइल का जो वॉर चल रहा है, दिस कैन एस्केलेट गाइस, दिस कैन एस्केलेट एंड दिस कैन डिवाइड द वर्ल्ड इनटू टू डिफरेंट टेरिटरीज। रादर देन अभी मैं अभी बात करूँ तो मजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज आर सपोर्टिंग इसराइल एंड सपोर्टिंग इन अ वे दे सेइंग कि हम निंदा करते हैं, वी कंडम दी अटैक और टेररिस्ट अटैक ऑन इसराइल जो हमस के आतंकवादियों ने किया है इसराइल के इंफॉर्मेशन के हिसाब से। इंडिया ने, अमेरिका ने, यूरोपियन कंट्रीज ने, ब्रिटेन ने, सब ने कंडेम किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और इसराइल हैज़ द राइट टू रिटेलिएट एंड टू प्रोटेक्ट देयर पीपल, एंड जो वो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, लेकिन और हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं लाइक ईरान है और जो कुछ कंट्री हैं वो अगेंस्ट में भी हैं, तो दिस कैन एस्केलेट। अभी बोलोगे अभी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अभी कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, बट दिस कैन एस्केलेट बिग टाइम एंड पीपल आर डाइंग, दिस शुड नॉट हैपन गाइस। ऑनेस्टली आई एम अगेंस्ट द वॉर ऑफ एनी काइंड, बट पीपल विद अ टेररिस्ट नेचर शुड गेट एन आंसर और रिप्लाई लाइक दैट, तो भाई देना चाहिए, चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, उनको भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सो जो हो रहा है वो देखते हैं, अपनी मार्केट पे इसका मंडे को असर देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इंडिया की मार्केट पे कुछ असर पड़ने वाला है या कुछ मेजर होगा। हाँ, ऑयल के प्राइस के ऊपर फ्लक्चुएशन ज़रूर देखने को मिल सकती है, तो मंडे को पता लगेगा कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेकेंड लास्ट चीज़ जो है गाइस, 8th of October कल से हमारा वर्कशॉप शुरू है 8:00, तो जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया है लिंक के साथ में तैयार रहेगा वर्कशॉप की, 8 बजे हमारी वर्कशॉप शुरू है, डे वन ऑफ आर 12 डेज बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग मास्टरी वर्कशॉप जो हम सीखने वाले और कर सकते हैं, सीट्स फुल है, तो इन्जॉय, कल मिलते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई होप आप भी एक्साइटेड हो, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें भी सिखाने वाला हूँ मैं आपको। गॉडज़िला है, फिबोनाची की एडवांस सीरीज है, चिराग MMS, मेरा ईगल स्ट्रैटेजी, बैंक निफ्टी के कुछ इंट्राडे स्ट्रैटेजीज जो हैं वो भी सीखने को मिलेंगे बेसिक और एडवांस के साथ में, ठीक है।
ये सभी चीज़ें गाइस ऑन एन एडवांस लेवल मैं मुंबई में करने वाला हूँ फॉर द पीपल हु वांटेड टू अटेंड फिजिकल फेस टू फेस वर्कशॉप. इट्स हैपनिंग इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर. दैट मीन्स मैं लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर करने वाला था ऑन दिस वीक, बट नहीं, हम फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर करने वाले हैं. एंड दिस द डेट कैन बी 4th and 5th ऑफ नवंबर, फॉलोड बाय, अगर हमने लाइव ट्रेडिंग रखा तो हम 6 तारीख को भी करेंगे, बट ये 4 और 5 दिन को नवंबर को होने वाली है फॉर मुंबई वर्कशॉप, जो फेस टू फेस ट्रेडिंग मास्टरी की वर्कशॉप, बेसिक टू एडवांस 2 दिन की फुल वर्कशॉप है, 10 से 5 बजे तक मुंबई के अंदर होगी. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू मीट एंड लर्न फेस टू फेस एंड इन मुंबई, आप टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करके रजिस्ट्रेशन के लिए पूछ सकते हैं. एंड द डेट्स विल बी 4th to 5th ऑफ नवंबर एंड वी आर गोइंग टू डू दैट. बट ऑनलाइन कल से शुरू है और जो फिजिकल होने वाली है, फेस टू फेस होने वाली है, वो मुंबई के अंदर होगी ऑन 4th and 5th ऑफ नवंबर. एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड कैन कॉन्टैक्ट एंड लर्न द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग देयर. ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए. हैव अ हैप्पी वीकेंड. जय हिंद.